ओरिजिनल में, ओरिजिनल में ग्लोव की कॉपी है भाई। और देखें इसका जो ये लॉक का सिस्टम भी दिया ना इन्होंने, बिल्कुल ग्लोव की तरह दिया है। जिगाना की कंप्लीट वैरायटी लाए हूँ आमिर भाई, कंप्लीट वैरायटी। इसमें स्पोर्ट्स भी आ गया, एफ भी आ गया, के भी आ गया, सही है। मतलब ये कि किसी भी चीज का अगर कोई भी आपका दोस्त वगैरह आता है ना, कोई अगर कोई ये कहे कि यार मुझे ये पीस चाहिए, कंप्लीट चीजें मिलेंगी। तो ये हैंड जो है, हाथ जो होता है, एक्सपर्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि पहले आप पाकिस्तानी वेपन पे हाथ अपना ओके कर लें, उसके बाद आप इम्पोर्टेड की। वही फाइबर के सिंग, वैसे ही ग्लोव का टच, कंप्लीट वही चीज दी है। कलर भी बेहतरीन है, बेहतरीन। ये दो कलर में आया हुआ है, ब्लैक में भी है। ये सब लगे हुए ना, वैरायटी चेक करें आप। और पाकिस्तानी मेड में तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट वैरायटी लेकर आया हूँ। हर चीज आया, मैं आपको दिखाऊं ना क्या क्या देखना है, क्या क्या लेना है। ये देखें भाई, ये देखें ना, मिसाल के तौर पे ये देखें, जिगाना की कंप्लीट वैरायटी लाया हूँ आमिर भाई, कंप्लीट वैरायटी। इसमें स्पोर्ट्स भी आ गया, एफ भी आ गया, के भी आ गया, सही है। मतलब ये कि किसी भी चीज का अगर कोई भी आपका दोस्त वगैरह आता है ना, कोई अगर कोई ये कहे कि यार मुझे ये पीस चाहिए, कंप्लीट चीजें मिलेंगी। ये जिगाना की कंप्लीट वैरायटी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें पूरा, ये पूरा जिगाना का लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं लेकर आऊंगा। हाँ, अब ये देखे ना, मिसाल के तौर पे ये टोरस की वैरायटी आ गई। मतलब नहीं, नहीं 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 नहीं, ये न्यू है, ये डब्बा पैक है सारे। ये उनके लिए बेहतर होता है, पता है क्या उनका है? पहली बात तो ये हैंड जो है, हाथ जो होता है, एक्सपर्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि पहले आप पाकिस्तानी वेपन पे हाथ अपना ओके कर लें, उसके बाद आप इम्पोर्टेड की तरफ आ जाएं। ये PT-92FS मतलब टोरस की कॉपी है बेसिकली, ये ब्रेटा की कॉपी, लेकिन टोरस वालों ने बनाई है FS-92 की कॉपी। ये रही नॉर्मल बेहतरीन चीज है भाई। बाकी आमिर भाई, रेटो के मुताबिक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आपके तवस्सुत से जो भी आया ना भाई, या वीडियो देखकर आया, लिंक देखकर आया, तो ये मेरा वादा है आपसे, कमेंट में मार्केट से 5-10 हजार रुपए में कम ही दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। ये जो है एडिंग प्लस के ऊपर की मतलब 25, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि 25 एडिंग प्लस है, बाकी जो लाइसेंस वगैरह बनता है वो 25 प्लस का। नहीं देखें, वेपन जो हम प्रोवाइड करते हैं ना भाई, हम सिर्फ 25 को ही करेंगे, जिनके पास
रजिस्टर्ड लाइसेंस होंगे। मेरी सोच के हिसाब से, मेरे कहने के मुताबिक, तो मैं तो कहता हूँ कि 18 वाले लोग जो है ना, इस वीडियो की तरफ जाएं ना तो बेहतर है, क्योंकि बेसिकली ये चीज जो है ना भाई, यूज के काबिल है। कोई भी चीज अगर आप मिस यूज करेंगे ना, लेकिन है तो जानलेवा हथियार, चाहे पाकिस्तानी वेपन हो चाहे इम्पोर्टेड हो, लेकिन ये जानलेवा चीज है। तो भाई ये मिस यूज हो जाता है, बेहतर ये कि 18 वाले लोग तो इसकी तरफ रुझू ही ना करें। भाई ये जो है ना, वैसे तो मेड बाई तुर्क भी है, लेकिन ये पाकिस्तानी वेपन है, स्टूगर 8000 की कॉपी। आमिर भाई ये सब लोग करते हैं, ये सब लोग करते हैं, लेकिन यूजिंग के हिसाब से हमारी ये पुलिस के जवान अक्सर लेके जाते हैं भाई, लेकिन वो भी लाइसेंस भी मतलब रजिस्टर्ड लेकर जाते हैं। बात वो घूम फिर के वहीं आ जाती है ना कि यूज करें आप, मिस यूज ना करें। ये दिखाना, दिखाना की वैरायटी, असल में यहाँ पर एक फुल हो गया था तो एक पीस यहाँ लगा दिया भाई मैंने, ये चेक करा दिया, ये ब्रीटा की कॉपी आ गई जी, ये ब्रीटा की आ गई। ये देखें 30 बोर, पुराने जमाने में जो आपके टीटी पिस्टल चलते थे, ये उसकी कॉपी आ गई भाई, लेकिन फर्स्ट कॉपी है ये देखें। और इसकी आवाज सुने, खाली आप आवाज सुन के ही डर जाएंगे, देख रहे हैं, खाली आवाज ही सुने, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जापानी साउंड की टक्कर पे है भाई, और जापानी से ज्यादा अच्छे हैं हमारे पाकिस्तानी वेपन अगर आप इन्हें यूज करें तो। लेकिन हमारे लोग जो है ना भाई, वो पैसे के पीछे भागते हैं। यार मैं कितने का 3 लाख का वेपन लाया हूँ, मैं 4 लाख का वेपन लाया। अबे भाई तू यूज तो करके देख इस पाकिस्तानी वेपन को। भाई बुलेट किसी में भी नहीं फंसती, आप ओरिजिनल इम्पोर्टेड बुलेट्स वगैरह यूज करें, हमारी पाक आर्मी के POF बुलेट्स हैं। यार मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपका चाइना की बुलेट्स कुछ भी नहीं है उसके आगे, आपकी USA की, आपकी तुर्की की बुलेट्स कुछ भी नहीं है उसके आगे। लेकिन देखें मशीनरी है बेसिक, आप इसको सेफ रखें, साफ सुथरा रखें, इसकी केयरिंग करें। तो अब आप एक कचरे की मानद उठा के किसी चीज को फेंक देंगे भाई, तो जाहिर सी बात है फिर वो ये क्या, कुछ भी हो आप इम्पोर्टेड वेपन ले लेंगे, उसमें भी कोई फायदा नहीं है भाई आपको। ये हो गया, फिर ये ग्लोक की वैरायटी आ गई, ये ग्लोक की कॉपी है जो अभी मैंने इम्पोर्टेड आपको दिखाया था ना, ये उसकी कॉपी दी है, ये ग्लोक है, उन लोगों ने वो रेडिकल इसकी कॉपी करके दे दी। ये जो है ना Generation 4 का पीस है, और 19 मॉडल में कहलाता है, ये है ग्लोक ही है। इसमें बड़े पीस भी आते हैं जैसे 17 है, इसमें छोटे पीस भी कॉम्पैक्ट भी आते हैं जैसे 26 है। अब मिसाल के तौर पर इसी का 26 दिखाऊं मैं आपको, ये देखें इसी का। लेकिन ये इस तरह के जो पीस होते हैं ना कॉम्पैक्ट, वो ज्यादातर लेडीज यूज करती हैं, क्योंकि अपने पर्स वगैरह में आराम से रख के वो कैरी करके चल जाती हैं। लेडीज के हिसाब से बनाया हुआ है भाई, ख्याल कीजिएगा कि इस्तेमाल की नौबत ना आ जाए। ये हो गया, ये देखें ये कितना खूबसूरत पीस आया है, कहने को ये भी वही 8000 है स्टूगर, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा सा पीस, देखने में कितना अच्छा महसूस हो रहा है, गोल्डन कलर। खासियत तो इसकी वही है जो दूसरे नॉर्मल पिस्टल है, लेकिन ये कहें कि कलर के लिहाज से खूबसूरत है। देखें 9mm में और बोर का ये सेटअप होता है आमिर भाई, कि इनके जो बैरल के गेज होते हैं ना, उनमें सेंटीमीटर्स वगैरह में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। 32 बोर एक अलग चीज़ होती है, 30 बोर एक अलग चीज़ होती है, 9mm एक अलग चीज़ है, इसी तरह 44 बोर मतलब 44 बोर आ जाता है, 48 बोर आ जाता है, लेकिन वो और कैटेगरी में चला जाता है, वो हमारी फोर्सेस वगैरह के लिए होता है, हम नॉर्मल सिविलियन के लिए वो नहीं होता, और उसकी हमें अथॉरिटी भी नहीं है, ये ध्यान में रखिए। आमिर भाई मेरे पास नॉर्मल कैटेगरी में जो है ना, यूँ समझ लें कि 35,000 रुपये से स्टार्ट है, और 2-3 लाख रुपए की रेंज में पाकिस्तानी वेपन मिल जाएंगे, और इम्पोर्टेड में जो है ना 135 से मेरे पास स्टार्ट है, और नॉर्मल कैटेगरी में आपको 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक की रेंज में मिल जाएंगे। पिस्टल्स हो गए, वेप इसके अलावा राइफल्स हो गई, राइफल्स कैटेगरी हो गई, शॉर्ट गन्स हो गए, और सिंगल बैरल, डबल बैरल वगैरह हो गए, क्योंकि इसमें शॉर्ट गन में जो है ना, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, एक सिंगल बैरल आ जाती है,
जिसको वो पुराने जमाने की बंदूक जिसे कहते थे वो भी हैं, उसी में वो दो नाली एक आती थी जिसको हम डबल बेल कर देते हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा हंटिंग का कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि सामान मौजूद है, एक्सेसरीज वगैरह मौजूद हैं, रिपेयरिंग वगैरह का सारा सिस्टम मौजूद है अपने पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कहूंगा कि अगर आपकी वीडियो देख कर कोई आता है तो यहाँ से नाकाम और खाली नहीं जाएगा। आमिर भाई देखें ये फील्ड ऐसी है, इसमें एक से बढ़कर एक चीज नहीं आती रहती है जाती रहती है। अब एक नॉर्मल प्राइस अब मैं आपको क्लियर कर दूं, कल को आपके ही कोई रिलेटिव आ गए कि यार आपने वीडियो में मुझे इतना बोला था, तो उससे मैं कंफर्म तो नहीं हो सकता ना, चीज चीज में फर्क होता है इसमें। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही बोल रहे आप। देखें इसमें यूज पीस भी आते हैं और न्यू पीस भी है। अब यूज पीस के हिसाब से अगर आप मुझसे बात करेंगे ना तो मैं आपको 15,000 रुपये में दे दूंगा, 20,000 रुपये में दे दूंगा, 30,000 में भी दे दूंगा, और इम्पोर्ट पन्नी पैक की तरफ अगर आप आते हैं तो मैं आपको 30,000 में भी दे दूंगा, 35,000 में दे दूंगा, 50,000 में भी दे दूंगा, मतलब वैरायटी के ऊपर चीज़ें यूज में हम खरीदो फरोख्त करते हैं जी, लेकिन लीगल तरीके से अगर लाइसेंस वगैरह पर मौजूद है तो, अदरवाइज सॉरी। क्या नहीं ना देखें ना आमिर भाई ये तो बात ही आप सवाल ही मेरे हिसाब से बचकाना कर रहे हैं भाई। मैं ऐसा डीलर बैठा हूँ, देखें मैं गवर्नमेंट की तरफ से डीलर हूँ भाई, रजिस्टर्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लाइसेंस होल्डर हूँ मैं, इलीगल काम तो मुझे करना ही नहीं है ना। आप एक या 50 पीस लेकर आ जाएंगे मैं आपको दरवाजे से लॉक ही नहीं बोलूंगा, एंटर ही नहीं होने दूंगा। लाइसेंस पे मस्ट है, लाइसेंस लेकर आना आपका मस्ट। अरे आप डबल की बात कर रहे हैं, इधर ट्रिपल और फोर देंगे तब भी मना है भाई हमारी तरफ से, विदाउट लाइसेंस लीगल तरीके से जो भी काम हो बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा है वो काम। यार आमिर भाई ये मैन अबुल हसन अस्फहानी रोड का एरिया लगता है, सही है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 है, नर्स पैराडाइज बेकरी के बराबर में अब रिहायशी यूनिट है अब्बास टाउन, अब्बास टाउन की शॉप नंबर 4 है, ये राबिया फ्लावर के प्रोजेक्ट में शॉप नंबर 4 है, अबुल हसन अस्फहानी रोड ब्लॉक 4 है, गुलशन इकबाल अब्बास टाउन राबिया फ्लावर की शॉप नंबर 4। और अगर इसके बावजूद अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो मेरा नंबर आप नोट कर लें, मेरे हाँ मैं रहनुमाई कर दूंगा उनकी। इसके साथ ही मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।